के सबसे पहले तो जाना चाहेंगे दिल सावेसन फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे कि आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे कैसी होगी ये फिल्म और कैसा होगा आपका इस दिल सावेसन की किरदार। ओके ये एक इट्स अ रोमांटिक एक्शन बेस्ड फिल्म। इस फिल्म में हमने दिखाया है कि आज के दौर में जब इफ़ एनीबडी फाइंड्स ट्रू लव, जब आपको सच्चा प्यार हो जाता है किसी से आज के दौर में, एंड जस्ट लाइक बैक इन द डेज, पुराने ज़मानों में जब हम कहते थे कि हमें किसी से प्यार होता था और उस प्यार को पाने के लिए हम किस हद तक जा सकते थे, तो वो टाइप का हम आज के दौर में वो हमें दिखने को नहीं मिलता है, यू नो। सो इस फिल्म के थ्रू हमने यही दर्शाया है कि स्टिल दैट काइंड ऑफ लव एग्जिस्ट्स, जब किसी को किसी के लिए उस बेहद उस लेवल पे उनका प्यार उनका जुनून पहुंच जाता है, एंड क्या करके वो उस प्यार को हासिल करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ व्हाट द एंटायर प्लॉट इज़ बेस्ड ऑन। तो आपका कहने का मतलब है कि इस फिल्म में आपको किसी न किसी से प्यार होता है, देन आप किसी भी हद तक जाते हैं। मैं नहीं, जिसको मुझसे प्यार है वो मेरे लिए उस हद तक जाते हैं, मैं नहीं जाती। देन आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे कि जो आपसे प्यार करते हैं आप उनके लिए क्या करते हैं। मेरे किरदार का नाम है मेघा और ये एक बहुत इंडिपेंडेंट लड़की है, झांसी में पढ़ी लिखी है और वहीं की है ये, अपने माता पिता के साथ रहती है, बहुत ही घरेलू लड़की है और एट द सेम टाइम उसके वैल्यूज़ है, वो अपने वैल्यूज़ को बहुत मानती है और वो जो ये लफंगे होते हैं, जो गुंडे होते हैं, चोरों चक्के होते हैं, उन लोगों के साथ उसको ज़रा भी, शी डजंट लाइक टू मिंगल अराउंड विद दोस काइंड ऑफ पीपल, तो उनसे हमेशा डिस्टेंस बना के रखती है। उसका एक अपना, उसकी अपनी दुनिया है जहाँ पे उसकी पढ़ाई है, उसके माँ बाप है, उसकी अपनी वैल्यूज़ है, तो वो उन वैल्यूज़ के साथ स्टिक करती है। एंड देन उसकी ज़िंदगी जैसे चेंज होती है जब वो एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में आती है अपने परिवार के साथ, वहाँ उसके साथ क्या होता है जहाँ पे उसकी लाइफ पूरी बदल जाती है, एंड देन फ्रॉम बीइंग अ वनरेबल गर्ल नेक्स्ट डोर हाउ शी चेंजेस एंड अडेप्ट्स द चेंजेस जो उसके सराउंडिंग्स में उसके साथ हो रहे हैं, प्यार के थ्रू, दोस्ती के थ्रू, हर एक फ्लेवर्स ऑफ इमोशंस के थ्रू, तो उस तरह से उसका बर्ताव भी चेंज होता रहता है अकॉर्डिंगली, यू नो। कैन वी कट फॉर अ सेकेंड? बहुत बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट कोइंसिडेंटली मुझे मौका मिला था पास्ट में भी उनके साथ काम करने का, बट समहाउ वो चीज़ वर्कआउट नहीं हो पाई, बट लाइक दे से, यू नो, जब कोई चीज़ होनी है तब वो होनी है ही, तो हो ही जाती है। तो इस फिल्म के द्वारा मुझे जिमी सर के साथ काम करने का मौका मिला। ही इज़ अ फैंटेस्टिक एक्टर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। एंड जब हम किसी एक्सपीरियंस एक्टर के साथ काम करते हैं तो हमें उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। एज एन एक्टर हम ग्रो करते हैं विद एवरी फिल्म, एवरी फिल्म इज़ एन एक्सपीरियंस। तो जिमी शेरगिल इज़ अ वेरी एप्ट एक्टर, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि आज जो वहाँ जिस मुकाम पे अपने करियर पे पहुँच चुके हैं उसके पीछे एक रीज़न है। तो जब हम ऐसे इंसान के साथ काम करते हैं तब हमें पता चलता है कि क्यों कोई वहाँ है जहाँ वो आज हैं। सो आई थिंक इट वॉज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस टू वर्क विद जिमी शेरगिल। मैम, इससे पहले आपने कौन सी मूवी में काम किया? वेल मैंने कैन यू जस्ट सॉरी मैंने अपनी करियर की शुरुआत की थी साउथ से। आई स्टार्टेड विद तेलुगु फिल्म्स, तेलुगु किया मैंने, तमिल, कन्नडा, आई डिड जर्मन फिल्म्स, आई डिड अ पंजाबी फिल्म। मेरी पहली हिंदी फिल्म थी, गणेश आचार्य ने मुझे लॉन्च किया था करीब 3 साल पहले इन दिस फिल्म कॉल्ड एंजल, जिसमें उन्होंने संजय दत्त के नेफ्यू को और मुझे लॉन्च किया था। And after that, I was relaunched by Suraj Bharjatya and Rajashree Productions in the film called Samrat and Company, jo 2 saal pehle release hui thi with actor Rajiv Khandelwal. And this is my third film in Bollywood. So yeah. तो मैम, आपकी और भी कोई अपकमिंग मूवी है या कोई प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हो? यस, देयर इज़। आई जस्ट फिनिश्ड एन इंग्लिश फिल्म, इट्स अ शॉर्ट फिल्म जो कैंस के लिए है, जो आई थिंक 2-2.5 महीने में विल रिलीज। इट्स कॉल्ड अंततः। एंड आई हैव अ साउथ फिल्म जो तेलुगु में है, इट्स कॉल्ड चित्रम चपिन कथा। इट्स विद हीरो उदय किरण, जो द वन हुज़ कमिटेड सुसाइड अराउंड अ ईयर एंड अ हाफ बैक, तो उनकी लास्ट फिल्म थी, दैट्स विद मी। तो दैट्स गोइंग टू रिलीज अगेन इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स फ्रॉम नाउ। अगेन आई एम वर्किंग ऑन अ कपल ऑफ साउथ फिल्म्स एंड आई हैव 3 बॉलीवुड फिल्म्स विच आर ऑन फ्लोर। एज सून एज दे लेट मी गेट दिस न्यूज़ आउट इन पब्लिक, मैं आपको बता दूंगी। ओके, जैसे कि हमने देखा है आपने हिंदी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, गुजराती नहीं अभी तक, जर्मन। जर्मन तो कितने लैंग्वेज आती है आपको? इनमें से मुझे सिर्फ हिंदी और इंग्लिश आती है अनफॉर्चुनेटली। थोड़ा बहुत तेलुगु बात करने लगी हूँ मैं आजकल, और तमिल, कन्नडा, आई एम नॉट सो वेल वर्स्ड विद द लैंग्वेजेस। एक्चुअली जब आप इतनी सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में काम करते हैं तो
आपको प्रॉम्प्ट्स लेने की इतनी आदत हो जाती है यू नो, सो पूरी तरह से लैंग्वेज स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. एंड बिकॉज आई एम अ बॉम्बे गर्ल, बॉम्बे इज़ माई बेस, सो दैट्स वाई आई हैव नेवर लर्न एनी लैंग्वेज एज सच. अगर आगे फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो सीख लूँगी, फिलहाल ज़रूरत नहीं पड़ रही है. Are you putting me on the spot? Nenu nenu premistuna. That means I love you. And in my case, Nenu nenu premistuna dil sara sanki. So I love this film. अच्छा, आपने बताया कि आपने जर्मन फिल्म भी किया है, तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो जितने भी बॉलीवुड के मेल एक्टर हैं वो हॉलीवुड में जा रहे हैं. तो आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो हम देखेंगे, आपका ऐसा कोई प्रोजेक्ट प्लान है कि हम आपको, और वो अच्छा कर रहे हैं जितने भी लोग सब यहाँ से जा रहे हैं हॉलीवुड? डेफिनेटली. अभी तो फिलहाल इट्स टू इनिशियल टू से एनीथिंग अबाउट दैट. एक हिंदी फिल्म है विच आई एम वर्किंग ऑन एट द मोमेंट, जिनकी जो जिनका प्रोडक्शन हाउस इज़ अ हॉलीवुड बेस्ड प्रोडक्शन हाउस. सो व्हेन आई एम ट्राइंग टू स्प्रेड माय विंग्स, इट्स टू इनिशियल फॉर मी कि इसके बारे में आपको अभी तक मैं कोई जानकारी दे तो नहीं सकती, बट येस मेरी कोशिश जारी है. एंड अगर सारी चीज़ें मेरे फेवर में रही, सो वाई नॉट, जैसे बाकी सब कर रहे हैं वैसे एक दिन मैं भी करूँगी. मैम, समर सीजन है, कितना डिफिकल्ट होता है परफॉर्म करना, आई मीन ट्रैवलिंग करना, एक्शन करना, आई मीन कितना डिफिकल्ट होता है? ओह गॉड, इट्स टू डिफिकल्ट. जैसे कि आपको भी पता है, यहाँ हम स्टूडियो में बैठे हैं अभी, इट्स सो हॉट राइट, अंदर एसी में बैठने के बावजूद वी आर स्वेटिंग. तो येस, इट्स वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली जब आउटडोर शूट करना होता है, एंड देन जब शूट खत्म होती है, एंड देन व्हेन यू कम बैक होम और अपना शीशे में आप फेस देखते हो, तो यू लुक कम्प्लीटली डिफरेंट देन व्हाट यू वेंट बिफोर द शूट. तो हाँ, बहुत डिफिकल्ट होता है, बट इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोफेशन. अब व्हेन यू आर एन एक्टर, तो आपको ये सारी चीज़ों से तो यू हैव टू बी यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, सो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट. तो गर्मी लगती है, ठंडी लगती है, धूप है, बारिश होती है, हर टाइप ऑफ सीजन्स होते हैं, बट यू हैव टू टैकल विद इट. You have to, it's okay. करना पड़ता है. मैम, दिल साला संकी में कोई ऐसा रोमांटिक सॉन्ग है जी? हाँ, बनाना चाहोगे कोई रोमांटिक? हाँ, जैसे कि मैंने कहा, इट्स अ रोमांटिक एक्शन फ्लिक, सो डेफिनेटली देर आर रोमांटिक मोमेंट्स इन द फिल्म. और बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स हैं इस फिल्म में जो कैप्चर किए गए हैं, एंड इट्स वेरी नेचुरली पिक्चराइज, यू नो, बहुत एक नेचुरल फ्लो में पिक्चराइज किया हुआ है इसको. कोई भी गानों को हमने उस तरह से कोरियोग्राफ नहीं किया जहाँ पे कोरियोग्राफर हमें सेट स्टेप्स दे रहा है और हम उस स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं. उन्होंने हमें ही लेट अस फ्री, ही जस्ट टोल्ड अस कि ये मूड है और आप उस मूड को फॉलो कीजिए, एंड जैसे आपका वट एवर कम्स आउट नेचुरली यू डू दैट. सो डोंट गिव मी एनी सेट स्टेप्स और नथिंग इज कोरियोग्राफ, इट्स ऑल इन योर हेड. आप जैसा फील कर रहे हैं आपके को एक्टर के लिए एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, एंड जैसा आपके मन से लिरिक्स के थ्रू हाउ एवर यू फील, सो यू डू द सीन लाइक दैट, यू डू द सॉन्ग्स लाइक दैट. तो हमने वो सारे मोमेंट्स बहुत अच्छी तरह से कैप्चर किए हैं, रोमांटिक मोमेंट्स इन द फिल्म. लाइक आई सेड, इट्स अ रोमांटिक फ्लिक, रोमांटिक एक्शन, हार्डकोर एक्शन फ्लिक. सो या, वेरी प्रीटी रोमांटिक मोमेंट्स इन द फिल्म. गानों की बात हो रही है तो हम देखते हैं कि आजकल जो है कई सारे एक्टर हैं जो सिंगिंग में भी अच्छा कर रहे हैं, तो हम आपको मतलब गाने का शौक रखते हैं आप कुछ? शौक तो है, बट आई एम नॉट अ सिंगर, यू कैन हियर माई वॉइस, आई एम नॉट गोइंग टू सिंग. दिस होल इंटरव्यू इज गोना बी अ बैड डिजास्टर इफ आई स्टार्ट सिंगिंग, सो नो. आई थिंक आई एम दोस काइंड ऑफ पीपल हु लाइक टू स्टिक विद वॉट यू थिंक यू गुड एट, सो आई थिंक आई एम गुड एट एक्टिंग, सो आई एम जस्ट गोना लीव इट टिल देयर. आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई एनी अदर सेगमेंट जहाँ आई नो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, सो आई एम नॉट सिंगिंग. वेल, आई लिसन टू, मुझे नहीं, आई लाइक लिसनिंग टू सॉफ्ट रॉक. एक्चुअली आई एम नॉट अ वेरी गुड लिसनर व्हेन इट कम्स टू हिंदी म्यूजिक, बट आई लाइक सॉफ्ट रॉक एंड आई लाइक जैज, एंड नाउडेज आई लाइक लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ श्रेया घोषाल सॉन्ग्स. उनकी जो मेलेडी है उनकी आवाज़ में, मुझे वो बहुत पसंद आती है. तो आई मेक श्योर कि वो जब भी गाने गाती हैं तो आई लिसन टू हर सॉन्ग्स. एट शी इज़ माई फेवरेट सिंगर इन बॉलीवुड. मैम,
मैम बॉलीवुड में कौन सी दो एक्टर हो जिसकी पर्सनालिटी से आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो? वेल आई थिंक एक ही इंसान का नाम आएगा मेरे जहन में अगर आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे, वो है माधुरी जी. आई थिंक शी इज़ अ कम्प्लीट पैकेज. शी इज़ वॉट एन एक्ट्रेस इज सपोज टू बी. तब भी और अभी जिस दौर से वो आई हैं, जब उनके लाइक बैक इन द डेज, तब भी और अब भी हर स्टाइल, हर वर्सेटैलिटी, द वे शी कैरीज हर सेल्फ, जिस तरह से वो परफॉर्म करती है, आई थिंक शी इज़ कम्प्लीटली अप टू डेट टिल डेट. सो शी इज़ माई इंस्पिरेशन. शी इज़ बिन माई इंस्पिरेशन सिंस द डे आई स्टेप्ड इनटू दिस इंडस्ट्री. मेल एक्टर में अभी भी काम करने की इच्छा रखती हैं आप? ओ बहुत है, द लिस्ट इज इनफाइनाइट. ऑफ कोर्स मेल एक्टर में आई वुड ऑब्वियसली से शाहरुख इज माय फेवरेट, एंड सलमान इज अगेन माय फेवरेट. ही विल ऑलवेज बी माय फेवरेट. और कभी जिंदगी में मौका मिला तो आई डोंट नॉट लेट गो ऑफ एनी नेम्स. बहुत सारे नाम हैं मेरे मन में. आई वॉन्ट टू, अगर कभी मौका मिलेगा सो आई वुड लव टू वर्क विद एवरीबडी, ऑल द न्यू टैलेंट विच is stepping up in the industry right now. And even my co-actor, for instance, you know, is film mein jo my co-actor hai Yogesh Shaherwar, he is Yogesh Kumar, he is getting launched in this film. He's a doctor by qualification. Ye unki pehli film hai. So I had a very good time working with him too. And agar aage life mein chance mile to I would like to work with him again as well. Where the film shoot was held? Ye film ki shooting humne ki thi Jhansi mein, Orchha mein. Kya mein? Jhansi? Yeah, and Orchha. ओरछा, या इट्स अ पार्ट ऑफ एमपी. और राइट एट द बॉर्डर एक्सपीरियंस वहां पे लुकिंग रेडर के साथ आपको वो डाटा? मुझे डाटा नहीं किसी ने. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई अंडरस्टैंड माय वर्क क्वाइट वेल. द बेस्ट सीन ऑफ द फिल्म यू वुड लाइक टू से? द बेस्ट सीन ऑफ द फिल्म इज एक पोर्शन है जहाँ पे जो मेरे को एक्टर हैं और मैं, हम दोनों के बीच में एक्चुअली वी गेट दिस स्पेस जहाँ पे हमें उतना टाइम मिल रहा है एक दूसरे को जानने के लिए. हम बेसिकली वी एस्केपिंग, हम भाग रहे हैं सिचुएशन से, और चेज है. एग्जैक्टली, इट्स अ चेज. एंड वो चेज में हमें कुछ मोमेंट्स मिलते हैं जहाँ हम एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ हम एक्चुअली डिस्कवर करते हैं कि ऑब्वियसली बींग द गाय ही इज़ इन लव विद मी, बट दैट इज़ वन वेरी माइन्यूट फ्रेम जहाँ पे मुझे वो मौका मिल रहा है to know him as a person. He helps you for the chase. And आपको वहाँ से वो उठा के ले जाता है? नहीं, ये आप फिल्म देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन किसको भगा के ले जाता है. आजकल ज़माना बहुत बदल गया, लड़कियाँ भी लड़कों को भगा के ले जाती है, यू नो. सो इट्स नॉट अ बिग डील. सो वो जो मोमेंट है जहाँ पे हम भाग रहे हैं, जिसने भी जिसको भगाया है उसके साथ जो जो हो रहा है, जो कनेक्शन है हमारी, जो केमिस्ट्री है, वो सीन करते हुए बहुत मज़ा आया था. बिकॉज वो सीन एक ऐसा सीन है जो एक्चुअली कोई भी आज के दौर की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे से जब बात करेंगे तो वो उसी तरह से बात करेंगे, यू नो. वो बहुत नेचुरल फ्लो में है वो पूरा सीन. एनी डिफिकल्ट मोमेंट इन द फिल्म व्हिच यू फाउंड? यस, ऑफ कोर्स देयर वर मेनी डिफिकल्ट मोमेंट्स इन द फिल्म बिकॉज इट्स एन एक्शन फ्लिक. बट आई रिमेंबर हम सेट बनाया था हमने, बेबी वो शूटिंग द ट्रेन सीक्वेंस. जब आप फिल्म देखेंगे इट्स टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म, तो वहाँ पे ऐसा है कि आई एम सपोज टू जंप आउट, द ट्रेन इज मूविंग एंड आई एम सपोज टू जंप आउट ऑफ द ट्रेन. And because it was my tight clothes, so dupe bhi usne kar sakte the, right? So wo maine kiya, and niche obviously gadde wagera bichhaye hue the mere liye, but because it was moving the train to thoda sa complicated tha. I don't know whether I would do it, but I was quite excited and I'm very adventurous girl by nature. To main karna chahti thi. आपने सुना नहीं शायद, मैंने कहा कि ड्यूप्लिकेट्स यूज़ नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उसमें मेरे क्लोजेस थे, सो उसमें ड्यूप्लिकेट्स की कोई गुंजाइश ही नहीं थी. ड्यूप्लिकेट्स होते तो फिर मैं मेंशन ही नहीं करती कि ये डिफिकल्ट सीन है. तो बट हमने कर लिया, वो भी मैनेज इट प्रेटी वेल बिकॉज आई वॉन्टेड टू फेस दैट लाइक दैट एडवेंचर इन माई करियर. इसीलिए मैंने वो किया. एंड जब मैं कूदी ट्रेन के बाहर और मैंने लैंड किया उन गद्दों पे, आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई सेड कि वाओ आई डिड इट. चित्रम चेपीना का था. चेपीना का था तेलुगु कंप्लीट है? हाँ जी. ओके मैडम, जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी फिल्म आ रही है दिल साला से. व्यूअर्स के लिए फाइनल वर्ड्स क्या कुछ कहना चाहेंगे? और आई थिंक ये रिलीज हो रही है डेट. वेल इट्स टेंटेटिव अभी तक, डेट रिलीज हमारा सेट नहीं हो पाया है. बट आई वुड लाइक टू से टू ऑल द व्यूअर्स कि दिल साला सनकी इज़ अ वेरी, इट्स अ ट्रेंडी फिल्म. इट्स अ फिल्म विच यू वुड लाइक टू वॉच. इट्स अ फिल्म विच यू वुड रिलेट टू. ये ऐसी फिल्म है जो कि नॉट जस्ट यंगस्टर्स बल्कि पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स वुड एन्जॉय दिस फिल्म.
एंड पीपल वुड बी एबल टू रिलेट टू द सब्जेक्ट ऑफ दिस फिल्म. आज की कहानी है बिल्कुल. अगर आप किसी से बहुत पे इंतहा मोहब्बत करते हैं तो आपको ज़रूर ये फिल्म देखनी चाहिए, बिकॉज ये फिल्म देखने के बाद आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगा. एंड यू वुड जस्ट, जिससे भी आप प्यार करते हैं एट एनी कॉस्ट, आप उसको अपनी लाइफ में ज़रूर रखेंगे. इस फिल्म को देखने के बाद आपको वो इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगा. दैट्स ऑल आई कैन ऐड. सबसे पहले तो आप दिल सालासन की में आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कर रहे हैं आप दिल सालासन की. अच्छा अच्छा, ये मेरी पहली फिल्म है. मेरे कैरेक्टर का नाम है बादल. बादल जो लड़का है वो पांचवी फेल लड़का है. उसने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी. जो बच्चे कम उम्र में जो सोचते हैं कि भाई मैं इंजीनियर बनूँगा, बड़ा होकर लॉयर बनूँगा या डॉक्टर बनूँगा, इसका सपना है, उसको बनना है गुंडा. तो गुंडा बनने के चक्कर में ये बहुत सारे ऐसे गलत गलत काम कर देता है जो इसे फिल्म के बाद रियलाइज़ होते हैं इसको नहीं करने चाहिए थे. तो इस जर्नी का जो है एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि तुम अपने आइडल जो रखते हो उसे तुम अच्छे आइडल रखो, आपके ज़िंदगी के लिए वो अच्छा होगा. क्योंकि ये आपकी पहली फिल्म है और आपने बताया कि पहली बार आप मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपकी पहली फिल्म है, कुछ नर्वसनेस फील करते हैं, आप कितने नर्वस हैं आप इस फिल्म को लेकर? आपने आपको नर्वस तो हूँ, वो तो ठीक है, नर्वस तो हो गए इन लोग पहली फिल्म में तो होते हैं, होने ही चाहिए नर्वस. बट उससे ज़्यादा आप बहुत कंफर्टेबल फील कराया लोगों ने, आप लोगों ने, मीडिया वालों ने, फिल्म में जिमी जी ने, शक्ति जी ने, तो इतना ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं हुई मुझे. और जिमी जी हैं इस फिल्म में, तो उनके साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? जिमी जी जब मैं उनसे पहली बार मिला तो मुझे लगा काफ़ी सीनियर स्टार हैं, काफ़ी बड़े एक्टर हैं, तो थोड़े स्ट्रिक्ट से होंगे, डांटेंगे वगैरह गलत के, मगर वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे. बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव थे, बिल्कुल मतलब हेल्प भी करते थे. उनसे जब भी पूछो सर मैं कैसे करूँ वगैरह, तो हेल्प भी करते थे. मुझे पूरी फ्रीडम दे रखी थी उन्होंने, जैसे करना है वैसे करो, उनके कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. और एक बहुत बड़ी बात है कि किसी स्टार में ये खूबियाँ होती हैं, नहीं तो आजकल देखें जाए तो फिर बड़े स्टार जो होते हैं वो लेट आते हैं वगैरह सब, लेकिन जिमी जी ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे. प्रॉपर आते थे, हेल्प करते थे और कोऑपरेटिव थे बहुत. और फिल्म अब जल्द ही रिलीज़ होने वाली है तो प्रमोशंस भी क्या हम देखने को मिलेंगे? प्रमोशंस जी बहुत प्रमोशंस देखने को मिलेगा. फिलहाल मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता बिकॉज इट इज़ नॉट आउट, लेकिन आपको ज़रूर बहुत कुछ देखने को मिलेगा. आपकी जो को स्टार के साथ में हमने देखा, आप बहुत ही अच्छी है अंडरस्टैंडिंग है, जितना भी हमें कुछ ट्रेलर में दिखाया गया उनके साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? काफ़ी, वो भी काफ़ी सीनियर हैं, उन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं, तो उनका भी बहुत हेल्प रहा है. और बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, तो उनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आया. डायलॉग भी हमने देखा कई सारे हैं, तो कोई एक डायलॉग जो आप बोलना चाहें इस फिल्म के? हाँ, जो ट्रेलर में आपको देखने मिलता है वो डायलॉग उसमें वो है कि कोई पूछता है भाई तुम हो कौन, कौन है वे तू, तो उसमें मेरा जवाब होता है कि ना तो रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं और ना ही हमारा नाम शहनशाह. तो उस तरह का जो है एक वन लाइनर जो इन्होंने यूज़ किया है फिल्म में, आदेश जी जो है डायलॉग राइटर हैं, तो उन्होंने जो यूज़ किया है वन लाइनर्स वो मुझे बहुत अच्छे लगे और वो काफ़ी यूज़ किया गया है फिल्म में और अच्छा भी लग रहा है. जाते जाते फाइनल वर्ड्स व्यूअर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे दिल सालासन की?
दिल साला सन की एक एक्शन बेस्ड लव स्टोरी है। इसमें सब कुछ है जो एक अच्छी फिल्म में होना चाहिए। एंटरटेनमेंट है, ड्रामा है, डांस है, रोमांस है, मैं हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप लोग देखें ये फिल्म।